के दिन में हम कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं, यूनिट्स हम देखेंगे सीएसएस के, व्यू पोर्ट देखेंगे और उसके बाद फंक्शंस देखेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं यूनिट से। अभी तक हमने पढ़ा होगा, किसी भी हमने फॉन्ट साइज देना हो तो हम क्या करते हैं, फॉन्ट साइज और उसके आगे पीएक्स लिख देते हैं। तो ये जो पीएक्स है ये यूनिट है। सीएसएस में इसी तरह के और भी यूनिट्स हैं, लाइक इंचेस भी हो सकते हैं, सेंटीमीटर भी हो सकते हैं, सीएच भी हो सकता है। तो आज के दिन में मैं आपको ईएम पढ़ाऊंगा और आरईएम पढ़ाऊंगा, इनमें फर्क क्या है वो भी हम देखेंगे और ये यूज हम क्यों करना चाह रहे हैं, क्योंकि आजकल जो एडवांस जमाना है उसके अंदर ये बहुत ज्यादा यूज हो रहा है। ठीक है जी, तो शुरू करते हैं अपने क्लासिक अंकल पीएक्स से। मैंने कहा कि मैं बॉडी के ऊपर आया, बॉडी के ऊपर आके मैंने से कहा 12 पीएक्स अप कर दो और जो मैंने नीचे जो कुछ भी लिखा था उसको मैं कमेंट करता हूँ। ऊपर वाली एक टेब मैं सिंपली ऑन कर देता हूँ। ये टेक्स्ट की क्लास है, इसको मैं ऑन करता हूँ, नहीं बल्कि इसे अभी ऑन नहीं करता। अच्छा जी, मैंने क्या लिखा हुआ था, मैंने टेस्ट लिखा हुआ था, यहाँ पर मैंने बॉडी में आके कहा 12 पीएक्स कर दो। तो हमें पता है पिक्सल पर इंच होता है, 14 पीएक्स करूंगा तो पीएक्स के हिसाब से मेरी बॉडी साइज को इंक्रीज करता जाएगा। सही, ये मैंने क्लास अंदर दी हुई है, इस क्लास का मैं यूज करना चाह रहा हूँ तो इसको भी मैं क्या करता हूँ 14 px दे देता हूँ। ठीक है, ये मेरा साइज अब इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है। अब हम लोग काम करना चाह रहे थे em पे, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ 2 em। एक बिल्कुल नई चीज आ गई हमारे लिए। अब हम देखते हैं ये em क्या होता है। तो ये जो नीचे 2 rem आ रहा है इसको भी मैं बंद कर देता हूँ ताकि कोई चीज भी कॉन्फ्लिक्ट ना करे। सही, ठीक है, बॉडी 14 पीएक्स है, बॉडी को भी मैं 2 मिनट के लिए बंद कर देता हूँ आपको, सिर्फ मैं दिखाने के लिए। मैंने यहाँ पर लिखा टेक्स्ट फॉन्ट साइज 2 em, रिफ्रेश मैंने किया तो इसने एक फॉन्ट साइज को बड़ा कर दिया। क्यों बड़ा किया वो मैं आपको समझाता हूँ अभी, लेकिन अगर मैं इसे 6 em कर दूँ तो ये फॉन्ट साइज को बहुत बड़ा करने वाला है। असल में कर क्या रहा है हमारा जो ब्राउजर है, ये मैं ब्राउजर की बात कर रहा हूँ, मैं वेब पेज की बात नहीं कर रहा। ब्राउजर हमारा, लाइक मैं इस टाइम क्रोम में बैठा हूँ तो क्रोम की एक सेटिंग होती है बाय डिफॉल्ट, फॉन्ट का साइज क्या होगा, मैं अपनी मर्जी से उस फॉन्ट साइज को कम या ज्यादा कर सकता हूँ। आपको भी पता है मैं यहाँ पर सेटिंग में जाऊंगा और यहाँ पर फॉन्ट्स की कुछ सेटिंग होती है, तो मैं मीडियम कर दूं, मैं लार्ज कर दूं या स्मॉल कर दूं, वो मेरी मर्जी है। ठीक है, सही। बाय डिफॉल्ट जो ये साइज होता है ऑलमोस्ट हर मॉडर्न ब्राउजर में वो होता है 16 px। ठीक है, पीएक्स की बात हो रही है, 16 px होता है। यहाँ पर मैं क्या कहता हूँ, अगर मैं इसे कहता हूँ ना 1 em, इट मींस 1 em इनटू 16 px जो बाय डिफॉल्ट था। ठीक है, ठीक हो गया, इट मींस 1 em इज इक्वल टू 16 px। जबकि ये जो हम बॉडी में पहले सेट करेंगे वही साइज, मतलब जब वन करेंगे तो वही साइज करेंगे। बिल्कुल, अभी मैं आपको आगे जाके बताऊंगा कि बॉडी के साइज को जब हमने सेट करना तो क्या हमें फर्क पड़ता है इसका। ठीक हो गया, 2 em 2 em into 16, अभी मैंने बॉडी साइज सेट नहीं किया हुआ तो जो 16 बाय डिफॉल्ट है उसके हिसाब से ये em अपने आप को चेंज करवा रहा है। ठीक हो गया, अब इसका फायदा क्या हो सकता है कि मैं बॉडी साइज के अंदर, बॉडी के अंदर आके एक दफा इस साइज को सेट कर दूं और 2 em 4 em के साथ मैं सिर्फ एक क्लास को चेंज करके मल्टीपल चेंज करता रहा। अब फर्ज करते हैं मैं इसको कर देता हूँ 10। 10 को जरा दर पे देना आसान होती है, मैथ मेरा काफी तेज है। अच्छा ठीक है, इसने क्या किया 2 into 10 किया तो ये इसने बना दिया 20 px बना दिया इसे, और अगर मैं इसे 20 कर दूं तो ये 40 px बना देगा इसे। ठीक है, ठीक, em की यहाँ तक समझ आ गई, ये em क्या काम करता है। जी बिल्कुल, ठीक है, अभी अब मैं आपको एक मजे की चीज दिखाता हूँ।
जब हम लोग ईएम में काम कर रहे होते हैं और बेनिहानी में हम काम कर ही जाते हैं तो ईएम हमारे साथ कुछ बहुत मजे की हरकतें करते हैं, वो मैं आपको दिखाता हूँ क्या करता है वो। ठीक है, मैंने एक कोड लिखा हुआ है, इसको मैं अनकमेंट करता हूँ। अब ये कोड है मेरी, एक डिव बनी हुई है, ठीक है, ठीक है, उसके अंदर एक और डिव पड़ी हुई है, उसके अंदर एक और डिव पड़ी हुई है, यानी ये तीन डिव्स हैं जो एक दूसरे के अंदर पड़ी हुई है। ये पेरेंट है, ये उसकी चाइल्ड है, ये उसकी चाइल्ड है, ठीक है। अब हमने ईएम का रूल तो पढ़ लिया, हमें ईएम के रूल की समझ भी आ गई, इसको मैं कमेंट करता हूँ, ठीक है जी। और डिव के ऊपर मैंने दोबारा एग्जैक्टली वही रूल लिखा हुआ है, फॉन्ट साइज 2 em, यानी मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे मैं 10 कर देता हूँ कि आपने डिव के अंदर आना है और इसको 20 कर देना, मींस इसको भी 20 कर देगा, इसे भी 20 कर देगा, इसे भी 20 कर देगा, ठीक है। सोचा मैंने यही है लेकिन ऐसे होगा नहीं, ऊपर वाले को उसने 20 px किया, नीचे वाले को उसने 40 किया और सबसे नीचे वाले को उसने 80 किया, ठीक है जी। ये क्या करता है, em अपने पेरेंट को देखता है, अब उसका जो पेरेंट था सबसे पहले वो बन गया था 20px, 2 × 10 20px, ऊपर वाला 20px था तो उसने नीचे आके 2 am ने 2 को 20 से ज़रब दे दी, ठीक है जी, वो 40 बन गया। अब वो फिर अगली डिव में आया तो उसने क्या किया जी, क्योंकि उसके पास 40 बन गया हुआ था, यहाँ पर उसके 2 मिला, 2 × 40 किया, उसने 80px बना दिया, ठीक है, तो जब हम em में काम करते हैं और पेरेंट के अंदर पेरेंट बनाए जाते हैं तो em फिर इस तरह की हरकतें करना शुरू कर देता है। इसी के मुकाबले में हमारे पास जो अगला जो यूनिट होता है वो rem होता है। अब rem को फर्क नहीं पड़ता कि पेरेंट में क्या पड़ा हुआ है, ठीक है, वो हमेशा ब्राउजर को भी नहीं हुआ देखता, वो चाइल्ड एलिमेंट को देखता, और चाइल्ड एलिमेंट क्या है, वो है हमारा html। तो उसकी एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ। फिर मैंने डिव बनाई हुई है, नीचे बिल्कुल वैसे ही डिव पड़ी हुई है, ठीक है, और इस दफा यहाँ पर मैं बेशक 10 लिखूं, 12 लिखूं, कुछ भी लिखूं, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता बॉडी में क्या लिखा हुआ है, उसे फर्क पड़ता है तो ये पड़ता है कि html में क्या लिखा हुआ है। html को मैं कमेंट नहीं करता, सॉरी कमेंट कर रखता हूँ, और ये मैं आपको दिखाता हूँ कि ये देखें, इतने जो बाय डिफॉल्ट जो भी उसे चीज मिली उससे उसने मल्टीप्लाई किया और तमाम को एक जैसा कर दिया, ठीक। अब अगर मैं बॉडी को चेंज भी करता रहूँ, लाइक मैं 20 कर दूँ, इवन 50 कर दूँ, rem को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वो उतना ही रहेगा। rem को अगर फर्क पड़ेगा तो पड़ेगा html के अंदर, यानी इसने रूट एलिमेंट को देखना है और हमारा रूट एलिमेंट हमेशा html होता है, ठीक। तो अगर मैं इसे 20 करता हूँ या फिर 50 करता हूँ तो अब इसे फर्क पड़ने वाला है, ठीक हो गया, ठीक हो गया, सही। ये हमारे तीन यूनिट से px, em और rem, और इसके अंदर फर्क क्या है ये भी हमने देख लिया, ठीक। यूनिट्स हमने पढ़ लिए, नेक्स्ट हम चलते हैं व्यूपोर्ट के ऊपर। व्यूपोर्ट्स की जब हम बात करते हैं तो हम बेसिकली बात कर रहे होते हैं स्क्रीन साइज की, और स्क्रीन साइज वेरी करती है सिस्टम इनटू सिस्टम। अब मेरा जो सिस्टम है, हो सकता है ये छोटा हो, आपके पास जो सिस्टम है वो बड़े साइज के हो, तो आपकी स्क्रीन रेजोल्यूशन कुछ और होगी, मेरी कुछ और होगी, और तीसरे बंदे की कुछ और भी हो सकती है, सेम भी हो सकती है, डिपेंड करता हमेशा। तो हमारे पास एक इशू आता था कि जब भी हम सेक्शन बनाया करते थे, हमें मॉडर्न थ्योरी ये कहती की थी कि आपका जो सेक्शन है वो पूरी की पूरी एक स्क्रीन के अंदर फिट होना चाहिए, उस सेक्शन के अंदर से फ्लो नहीं आना चाहिए, ये डिजाइन की थ्योरी हमें कहती थी। तो ठीक है, अब इस चीज को करने के लिए हमें CSS की बड़ी लंबी चौड़ी चीजें लिखनी पड़ती थी, उसके बाद जाके हम एक सेक्शन को स्क्रीन साइज में फिक्स कर सकते थे, क्योंकि स्क्रीन साइज बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, हमें तो नहीं पता कि कौन बंदा किस स्क्रीन साइज में देख रहा है जी। तो इस चीज को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास जो ऑप्शन CSS 3 में है वो है
हमारे व्यू पोर्ट्स के कैसे काम करते हैं वो देखते हैं। सही। सबसे पहले मेरी एग्जांपल में एक व्यू पोर्ट पड़ा हुआ है, सिंपल एक डिव बनी हुई है, उस डिव के अंदर मैंने कुछ लिख दिया हुआ, ज्यादा अहम नहीं है ये चीज किसके अंदर क्या लिखा हुआ क्या नहीं लिखा हुआ। और एक डिव की क्लास मैंने दी हुई है इनर डिव को। ऊपर जाके अगर मैं आपकी आपको इसकी वो दिखाऊं CSS, तो इसमें भी कोई फैंसी चीज आपको नजर नहीं आएगी, सिर्फ एक चीज इसमें एक्स्ट्रा आपको मिलेगी, बैकग्राउंड इमेज लगाता हूँ, बैकग्राउंड इमेज आपको भी लगानी आती है और बैकग्राउंड साइज को मैं कवर कर देता हूँ। सिर्फ जो एक्स्ट्रा चीज मैंने की, मैंने क्या कहा, हाइट 100 VH। अब ये 100 क्या चीज है, 100 कहती है 100% आप समझ लो इसे, ठीक है। अगर मैं इसे 50 कर दूं, इट मीन्स कि ये 50% की मैं बात कर रहा हूँ, और किस 50% की बात कर रहा हूँ, वर्टिकल हाइट की बात कर रहा हूँ, VH लिखा हुआ है, तो मेरी जो हाइट है उसको इसे 50% कर देना चाहिए इस सेक्शन में। वो कैलकुलेट करेगा यहाँ से लेके यहाँ तक और कहीं यहाँ पे दरमियान में जाके इसे खत्म कर देना चाहिए। इसे रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखो इसने मेरी हाइट को 50% पे ले आया। ठीक है, ठीक है। अब मैं इसे 100 भी कर सकता हूँ, 120 भी कर सकता हूँ, जो मेरी रिक्वायरमेंट है, 90, 80 या कुछ भी। अभी मैंने 100 VH किया, इट मीन्स कि मैंने उसे कहा कि मेरी जो स्क्रीन है उसके पूरे के ऊपर ये एलिमेंट आना चाहिए, और जब मैं स्क्रॉल करूंगा तो मेरा नया सेक्शन शुरू हो जाएगा, ठीक है। जिस तरह हमारे पास VH आता है वैसे ही हमारे पास VW आता है। ये अगर वर्टिकल हाइट है तो वो है VW फॉर वर्टिकल विड्थ, कि हमारी विड्थ क्या होनी चाहिए। ये हमारी सेकंड एग्जांपल में हमने दो डिव बनाई, उन दोनों को एक दूसरे के आमने सामने किया और उसकी VH हमने 100% लगा दी और VW 50% लगा दिया। किस तरह से, नीचे आता हूँ, ये मेरा मेन कंटेनर, इसके अंदर मैंने दो डिव्स कर दिया सिंपली, ये दो डिव्स आ रही, ठीक है जी। तो यहाँ पर मैं आता हूँ ऊपर, ये मेरा मेन कंटेनर था, इसको मैंने कहा मेन कंटेनर की जो विड्थ है 100 VW कर दो, यानी जो मेरा मेन कंटेनर है उसको पूरे का पूरा VW 100% पे ले जाओ, ठीक है। ठीक है जी। नीचे जो व्यूपोर्ट 1 मैंने बनाया हुआ है ये वाला, इसको मैं क्या कहता हूँ, फ्लोट लेफ्ट करो, यानी वो पीछे उठ के पीछे आ जाए, और 50 VW कर दो, ठीक है। दोनों को मैंने 50 करवा दिया, अगर मैं इसको 60 करवा देता और इसको 40 करवा देता तो पहले वाले ने बड़ा हो जाना था और दूसरे वाले ने निस्बतन छोटा हो जाना था। ये देखिए जी, पहले वाला बड़ा हो गया और दूसरे वाला छोटा हो गया। अब हमने पढ़ना है VMIN और VMAX। तो जो ये कॉन्सेप्ट है तो बहुत इजी, और इतनी इजी है जैसे जलेबी, समझ नहीं आते कि ये क्या हो रहा है, कैसे काम कर रहे हैं, क्यों काम कर रहे हैं, कब काम कर रहे हैं। अच्छा, मैं आपको इसको इंतहाई आसान तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। इस कॉन्सेप्ट में होता ये है कि आधा आधा घंटा हम बोलते रहते हैं, VMIN और VMAX एक्सप्लेन करते रहते हैं, एट द एंड लड़के आगे कहते हैं सर कुछ नहीं समझ आई। तो कोशिश करता हूँ कि आज के दिन में जो मैं पढ़ाऊँ वो आपको समझ भी आए और आप उसे अप्लाई भी कर सको। कोड में आता हूँ, यहाँ पर कोड में मैंने एक पी का एलिमेंट लिखा हुआ है, इसको मैंने क्लास दे दी है, उस क्लास का मैंने नाम रखा था VMIN example। और अगर स्टाइल में आगे देखूं तो बैकग्राउंड दिया हुआ है, मार्जिन दिया हुआ है, कोई ऐसी खास चीज नहीं है इसमें, सिर्फ एक चीज जिस पे हमने फोकस करना है वो है width 19 VMIN। अच्छा, अब मैं इसे कहना क्या चाह रहा हूँ कि मैंने एक पी का एलिमेंट बनाया, वो जो पी का एलिमेंट है उसको 90 VMIN कर दो। अच्छा, ये VMIN क्या बना है, यहाँ पर मैं आता हूँ तो आप ये देखिएगा कि मैं क्या करता हूँ, मैं आपको इस ब्राउजर को रीसाइज करके पहले दिखाना चाहता हूँ ताकि मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूँ कि VMIN काम क्या करता है। देखें, अभी तक जब मैं ब्राउजर को रीसाइज करता हूँ
तो जो अंदर का बॉक्स है वो अपनी जगह से मतलब नहीं हिलता, लेकिन एक ऐसा पॉइंट आता है उसके बाद ये बॉक्स अपने आप को रीसाइज करना शुरू कर देता है। इसी तरह इस बॉक्स को मैंने वापस किया, यहाँ पर आया, 90 वी मिन को मैंने वी मैक्स कर दिया। अभी इसे उल्टा काम करेगा, एक तो इसका साइज भी इसने बड़ा कर दिया, अब इसको अगर मैं छोटा करता हूँ तो ये अपने आप को रीसाइज कर रहा है, अभी भी कर रहा है, अभी भी कर रहा है, लेकिन एक टाइम आएगा कि ये अपने आप को रीसाइज करना बंद कर देगा, लाइक दिस वन। अभी अपने आप को रीसाइज नहीं कर रहा, तो ये क्या मसला है, ये ऐसे क्यों करता है? ये VMIN और VMAX की असल में खास प्रॉपर्टी है। लाइक अगर हमने अभी VMAX लिखा हुआ तो VMAX क्या करता है, ये VW और VH के दरमियान दोनों में से देखता है कि बड़ा कौन सा है। VMAX की बात हो रही है तो बड़ा कौन सा है। तो अभी आप मुझे ये बताओ कि मेरी स्क्रीन की विड्थ बड़ी है या मेरी स्क्रीन की हाइट बड़ी है, आपको भी नजर आ रहा है? ओके, मेरी विड्थ बड़ी है, क्योंकि मेरी विड्थ बड़ी है तो जो मैंने रूल लिखा हुआ है कि विड्थ 90 VX कर दें, तो उसने यहाँ पर 90 VX कर दें, उसने मेरे रूल को अप्लाई कर दिया क्योंकि मेरी विड्थ बड़ी थी। अब जब तक मेरी स्क्रीन की विड्थ बड़ी रहेगी ये रूल VMAX वाला अप्लाई करता रहेगा, जैसे ही मेरी स्क्रीन की विड्थ छोटी हो जाएगी, लाइक अब विड्थ छोटी हो गई, हाइट बड़ी हो गई, ऐसे ही है, क्योंकि विड्थ छोटी हो गई है और हाइट बड़ी हो गई है, अब ये मेरी रूल को अप्लाई नहीं कर रहा, ये टोटल इग्नोर इसने कर दिया, ठीक है। इसी तरह से अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, 90 वी मिन कर देता हूँ। वी मिन का क्या काम है, दोबारा से वी एच को और वी डब्ल्यू को देखेगा, यानी मेरी स्क्रीन की हाइट को देखेगा और विड्थ को देखेगा, फिर उसमें से देखेगा कि स्मॉलर कौन सा है, छोटा कौन सा है, ठीक है। तो जब तक उसे स्मॉल स्क्रीन मिलती रहेगी उस टाइम तक वो उस रूल को अप्लाई करता रहेगा, जैसे ही उसको वो स्क्रीन मिलना बंद हो जाएगी वो रूल को टोटल इग्नोर कर देगा। तो एग्जाम्पल मैं वापस आता हूँ, इस पेज को रिफ्रेश करता हूँ। अभी आप मेरा बताएं कि हाइट छोटी है या विड्थ, तो विड्थ को मैं छोटा कर रहा हूँ मैं छोटा, ठीक है। अब देखिए कि मेरी जो विड्थ है वो छोटी है और जो मेरी हाइट है वो बड़ी है, तो मेरा रूल अप्लाई हो रहा है, ठीक है। लेकिन अगर मेरी विड्थ बड़ी हो जाती है और हाइट छोटी हो जाती है तो फिर ये रूल अप्लाई नहीं होगा। तो वी मिन ने क्या करना था, देखना था कि मेरी विड्थ को देखना था और मेरी हाइट को देखना था ब्राउजर की, और उसके ऊपर उसने कैलकुलेशन कर दी थी, ठीक है जी। क्लियर हो गया इस चीज़ की उम्मीद है, आपको इसकी समझ आ गई होगी। नहीं समझ आई तो आप इसको दोबारा कमेंट्स में मेरे से पूछ लें, मैं आपको दोबारा से मज़ीद एग्जाम्पल से इसको एक्सप्लेन कर दूँगा। वी मिन की भी समझ आ गई हमें, वी मैक्स की भी समझ आ गई। इसी कोड के अंदर अगर आप आओ तो यहाँ पर एंड में मैंने ऐसे ही टेक्स्ट शेडो RGBA और यहाँ पर मैंने कुछ पैरामीटर्स लिखे हुए थे 0.006। अरे इसके ऊपर तो ही मैं फोकस करना चाह रहा, मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि हमारी जो CSS होती है उसके अंदर फंक्शंस भी होते हैं या आ सकते हैं, ठीक है। अब फंक्शंस मुख्तलिफ किस्म के होते हैं, जिनमें से RGBA एक एग्जाम्पल है, इसको हम किसी और दिन कवर कर लेंगे। आज के दिन में जो हमने देखना है वो हमने देखना है फंक्शन CALC का, ठीक। CALC क्या करता है, जैसे फंक्शन से जाहिर है कुछ कैलकुलेशन कर रहा होगा, प्लस करेगा, माइनस करेगा, डिवाइड करेगा या सब्ट्रैक्ट करेगा, इस तरह के काम करेगा ये, ठीक है। ये हमें जरूरत क्यों पड़ती है, एक मैंने आपको एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल बनाई है आपके लिए, और उसके अंदर मैंने अभी तक हमने जितने रूल्स पढ़े हैं उन सबको अप्लाई करने की कोशिश की है। अच्छा, ये सबसे पहले हम इस कोड को देखते हैं, यहाँ पर नीचे आते हैं,
मेरा एक कंटेनर बना हुआ है, उसके अंदर मैंने एक दो तीन और चार चाइल्ड रखे हुए हैं। ये जो कंटेनर है इसके ऊपर मैंने लगाया है फ्लेक्स बॉक्स ताकि हमें फ्लेक्स रिकॉल हो जाए एक दफा। तो ये जो ये मेरा कंटेनर है इसकी मैंने पोजीशन रिलेटिव की, क्योंकि वो मैं आपको भी थोड़ी देर बाद बताता हूँ, लेकिन डिस्प्ले फ्लेक्स मैंने इसे कर दिया। ठीक है, जस्टिफाई कंटेंट मैंने स्पेस बिटवीन की, क्योंकि ताकि ये इनके दरमियान इक्वल स्पेसेस आ जाए इन चार बॉक्सेस के दरमियान। विड्थ 50% कर दी, मार्जिन 0 ऑटो कर दिया। लाइक मैंने इस जो मेरी डिव बनी थी उसको मैंने मिडल में करवा दिया अपने स्क्रीन के, ना भी करवाता तो फर्क कोई नहीं था पड़ना, ऐसे ही बस अच्छा लगे। पैडिंग टॉप मैंने 150 कर दी, ऊपर टॉप से 150 की मैंने पैडिंग छोड़ दी। अच्छा, उसके बाद ये जो ये वाली आप लाइन देख रहे हो ये कहाँ से आ रही है ये मैं आपको भी बताता हूँ। ये भी मैंने अपने पिछले लेक्चर में जो आपको एक्सप्लेन किया था अपने सुबह एलिमेंट्स में, ये उनकी वजह से। तो सबसे पहले मैं आता हूँ अपने यहाँ पर चाइल्ड के ऊपर। ये जो ये बॉक्स बना हुआ है चाइल्ड वाला, सिंपल सा बॉक्स बना हुआ है, पोजीशन इसकी रिलेटिव मैंने करवाई हुई है, हाइट 100%, विड्थ 100% और बॉर्डर लगा दिया हुआ है ग्रीन सा और इसके बैकग्राउंड दे दी हुई है। इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं थी जो खौफनाक सी बात हो। अगली जो कहानी है वो है सूडो एलिमेंट जो मैंने आपको पढ़ाए थे पिछली क्लास में। बिफोर के ऊपर मैंने लगा दिया पोजीशन एब्सोल्यूट, ये मैंने इसे कंटेंट दे दिया, इसके अंदर हाइट 30px, विड्थ 2px। ये क्या चीज है, ये जो ये इसकी ये आपको हाइट और विड्थ नजर आ रही है ये वो है। अच्छा, मैं आपको एक दफा कॉपी करके दिखा देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा और आइडिया हो जाए। अभी इसकी जो हाइट है वो बड़ी होनी चाहिए, ठीक है, ये बड़ी होगी। मैं वापिस ले आता हूँ, उसका बैकग्राउंड हमने ग्रीन कर दिया ताकि ये ग्रीन कलर की नजर आए। टॉप मैंने सेट कर दिया है क्योंकि मैंने सेटिंग पहले से कर दी हुई है, ये हीट एंड ट्रायल होता है, आपको थोड़ी सेटिंग करनी पड़ती है। मैं 20 करूंगा तो इनकी स्पेसिस अभी देखना ये हिल जाएंगी अपनी जगह से, ठीक हो गया। ठीक है, ठीक है, इसको मैं वापस ले आता हूँ 30 पे। लेफ्ट साइड मैंने यहाँ से 50% मूव करवा दी ताकि ऐसा लगे कि ये बिल्कुल मिडल में आ रहा है, नहीं तो ये बिल्कुल पीछे आ रहा होना था। सही। और मार्जिन लेफ्ट मैंने -1 कर दिया, थोड़ा सा फर्क आ रहा था तो मैंने उस मार्जिन को माइनस में सेट कर दिया। हर डब्बे के ऊपर ये चीज आ रही है, ये सूडो एलिमेंट से आ रही है और वो सूडो एलिमेंट यहाँ पर मैंने आपको दिखाया, ठीक है। इसे बंद करें, ठीक है, हमारी क्लास के 9 मिनट रह गए। अच्छा, डिव कंटेनर बिफोर, अब अगली चीज है ये जो ये ऊपर लाइन लगी हुई है ये कैसे लगी हुई है। तो ये भी हमने एक सूडो एलिमेंट लिखा हुआ है, जैसे मैंने पिछला आपको एलिमेंट बताया बिल्कुल वैसे ही मैंने उसका टॉप और लेफ्ट दे दिया था, हाइट मैंने उसकी 2px आए। असल जो चीज है जो मैं आपको बताना चाह रहा था कि मुझे फार्मूला लगाने की या फंक्शन लगाने की जरूरत क्यों पड़ी, मैं इसको थोड़ी देर के लिए कमेंट करता हूँ और मैं यहाँ पर विड्थ दे देता हूँ। विड्थ मैं कहता हूँ 100% दे दो, ठीक है, ठीक है। उस्तादी मैंने ये किया है कि ये जो मेरे पूरी की पूरी विड्थ है ना इसको आप 100% करते हैं, 100% तो हो गई, लेकिन मसला ये है कि यहाँ से बाहर भी निकल गई। अच्छा, इतना बड़ा मसला तो नहीं है ये, इसको हम कुछ ऐसे हल कर लेते हैं कि शायद इसे हम करते हैं 85% तो ये कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है, ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है, ठीक। तो इतना तो कोई मसला नहीं है। मुझे फंक्शन लगाने की क्यों जरूरत पड़ी कि अगर ये स्क्रीन फर्ज करो किसी की मेरी स्क्रीन से बड़ी होती जो मेरा 100% था वो तो खत्म हो गया, ठीक। तो विद 100% या 85% तो नहीं हो पा रही, ये मेरा फार्मूला तो यहाँ पर फेल हो गया, ठीक। लेकिन देनी मैंने वेट था,
तो उसके लिए मेरे पास जो चीज मौजूद है वो है फंक्शन। मैं उसे क्या कह रहा हूँ कि आप विड्थ दें 100% में से 103px को निकाल दें। ये 103px कौन से थे? वो लाइन जो मैंने आपको दिखाई थी जो आगे जा रही थी। ठीक है, सही ठीक हो गया। तो अगर मैं इसको 95 कर दूं तो ये सेटिंग ठीक तो नहीं होगी। ये देखो, ये थोड़ा सा फर्क अभी भी आ रहा है। कैलकुलेट किया हुआ था मेरी कैलकुलेशन के मुताबिक 103 पिक्सल्स अगर मैं निकाल दूं तो मेरी एक तो लाइन बिल्कुल ठीक हो जानी चाहिए। सेव तो करवाया है, इसने क्या किया? ठीक हो गया। और दूसरा, अगर किसी का स्क्रीन साइज बड़ा या छोटा भी होता है तो हमारा डिजाइन खराब नहीं हो रहा। ठीक है, ठीक है। एक बहुत एक्सट्रीम वैल्यू आएगी जब स्क्रीन बहुत ही ज्यादा एबनॉर्मल हो जाएगी, तब जाके ये अपनी सेटिंग खराब करेगा। उसके बगैर ये बिल्कुल ठीक रहेगा। तो ये फंक्शंस होते हैं, ये फंक्शंस भी हम लोग इसी तरह यूज कर रहे होते हैं स्क्रीन के हिसाब से, फॉन्ट साइज को कम करने के लिए, ज्यादा करने के लिए, या किसी एलिमेंट को डिवाइड करने के लिए, या मोस्टली जो हमारे ग्रिड्स होती है, आपने बूटस्ट्रैप पढ़ी हुई है जिसे हमने आगे जाके मजीद पढ़ना है, तो उसकी ग्रिड्स जो बन रही होती हैं वो इन फार्मूलों से बन रही होती है। ठीक हो, ठीक हो गया। कल फिर इंशाल्लाह मिलते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।